हर हर महादेव दोस्तों। तो अब हम पहुंच चुके हैं गुप्त काशी। हम रात में दिल्ली से चले थे और अभी टाइम हो रहा है 11। तो आज हम रुकेंगे फाटा में, और फाटा में जो हेलीपैड है उसी के पास हमने होटल लिया है, वहीं पे हम रुकते हैं। तो ये आपको हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा ऊपर, यही हेलीपैड है। और हेलीपैड के जस्ट बिल्कुल सामने ये रोड जा रही है सीधा केदारनाथ। ये तो हेलीपैड के सामने हिमवंत रेसिडेंसी, ऑन रोड ही है होटल। चलिए होटल वालों से बात करते हैं, पूछते हैं यहाँ पे टैरिफ कितना है। अच्छा भैया, कैसे हो? ठीक है सर। और यहाँ पे अपने रूम कौन कौन से हैं? सर हम पे अभी कैटेगरी में तीन टाइप के रूम्स है, 5 बेड है, 4 बेड है, डबल बेड है। अच्छा, और इनके रेट? रेट से आप जाएंगे तो आपको 5 बेड का सबसे पहले देखेंगे तो आपको 6000 5 बेड। अच्छा ठीक है, ठीक है। आपका जो 4 बेड है, 4 बेड आपका 4200 का, 4200, 3 बेड 4000 का, और डबल बेड है 3500। अच्छा, सारे रूम में गीज़र प्रोवाइड है आपके साथ? ठीक है। और क्या है? गीजर हो गया और जितना भी आपका। अच्छा ठीक 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 ठीक। अच्छा, अगर किसी को हेलीपैड यहाँ से करवाना हो तो आप करवा देंगे? हेलीपैड का मतलब पॉसिबिलिटी जितना हो पाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ अगर अवेलेबिलिटी होगी तो आप करवा देंगे। ठीक है ठीक है भाई। तो ये है हिम्मत रेसिडेंसी और ये गुप्त काशी मार्ग पे है। अगर आप यहाँ से आएंगे, इधर से आएंगे तो गुप्त काशी है, इधर सोन प्रयाग है। सोन प्रयाग यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है बस। तो ये सबसे बेस्ट लोकेशन है क्योंकि सोन प्रयाग में जाम लग जाता है काफ़ी, और इनके रूम भी काफ़ी अच्छे हैं। मैं आपको रूम की वीडियो शेयर कर दूंगा, और खाना भी बहुत अच्छा है भैया का। अच्छा भैया, रात में डिनर कितने बजे तक मिल जाता है आपका? हम आपका वैसे तो 24 आवर्स का रहता है। अच्छा, बट विंटर्स में आपका 10 and 10:30 पे हम ऑर्डर ले लेंगे, उसके बाद ऑर्डर जब तक चलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है भैया। अच्छा भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो ये कुछ रूम है, पहले वॉशरूम दिखा देता हूँ। ये वॉशरूम है, गीजर लगा हुआ है ऊपर। तो ये हमारा डबल बेड रूम है, मिरर है यहाँ पे, और पीछे यहाँ पे बालकनी है। अभी तो कुछ दिखाई नहीं देगा बालकनी में। तो ऐसा कुछ रूम है यहाँ पे, सही है इस लोकेशन पे ना। ये है सोन प्रयाग की पार्किंग, बिल्ली चली गई। अब चल रहे हैं। यहाँ भी रूम मिल जाते हैं ऐसे। तो मिल जाएगी, नहीं तो वैसे 5 बजे से शुरू है।
अगर आपको त्रियोगी नारायण जाना है तो उसका रास्ता यहाँ से लेफ्ट है, लेफ्ट में आप देखेंगे तो ऊपर रास्ता जा रहा है। सोनप्रयाग से जब आप आएंगे गौरीकुंड जाएंगे तो लेफ्ट में ऊपर रास्ता जा रहा है, बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से आप त्रियोगी नारायण जा सकते हैं। यहाँ से 12 किलोमीटर का रास्ता है। मंडल लेना कुछ है? मेरे को तो नहीं होती महसूस। यहाँ पे एक आगे वो है चेक पॉइंट सा, वहाँ पे मतलब वही है जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वाले होते हैं ना वो करवा लेते हैं, लेकिन भीड़ बहुत लंबी होती है। तो देखना आगे कितनी भीड़ होगी। ये पार्किंग है ना, वहाँ तक लाइन लग जाती है लंबी ऐसे। ये जी सोनप्रयाग, ये सारे होटल हैं ऊपर। अब ये क्लॉक रूम उनके लिए काम है ना, जैसे कोई आया सीधा यहीं दूर से सीधा यहीं आ जी, यहाँ से ट्रैक शुरू कर दिया। आप लोग सुबह कोशिश करिए कि जल्द से जल्द सोनप्रयाग पहुँच जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन चेक होती है और लंबी लाइन लग जाती है धीरे धीरे। तो जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आपका नंबर आएगा, फिर यहाँ से आप टैक्सी करके गौरीकुंड जा पाएंगे। देखिए कितनी लंबी लाइन है। हर हर जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन चेक करवाएंगे उसके बाद आप दूसरी लाइन में लगेंगे जो कि टैक्सी की लाइन है। ये आप लाइन देख रहे हैं, पूरी टैक्सी की लाइन है। ये वहाँ आगे बैरिकेड लग रहा है, वहाँ तक लाइन है। उसके बाद आप टैक्सी में बैठेंगे जो गौरीकुंड जाएगी। अरे रे 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 ओ भाई, अरे कहाँ भग रहा है। और ये देखो तो यहाँ पे आपको सारी टैक्सियाँ मिल जाएंगी, आप यहाँ से डंडे भी ले सकते हैं अगर आपको डंडे चाहिए तो। ये सारी टैक्सियाँ वापस गौरीकुंड जाएंगी। तो हम गौरीकुंड टैक्सी स्टैंड पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से पैदल जाएंगे। ये हम पहुंच चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहाँ से स्टार्ट होता है ट्रैक। तो ये गौरीकुंड है, ये है गौरीकुंड। यहाँ से आगे हमें ट्रैक स्टार्ट करना है। आगे ना पूरा बाजार है। इधर तो था नहाने का पूरा, अभी कवर्ड कर दिया होगा ना। नहीं है ही नहीं होगा।
तो ये आप अभी देखेंगे सामने लोग कैसे कैसे ऊपर पानी की बॉटल, कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स वगैरह पहुंचाते हैं। उसमें भी फिर जो लोग आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, वो कंप्लेंट करते हैं कि इतना पानी महंगा कैसे मिल रहा है, सामान इतना महंगा कैसे मिल रहा है। तो आप उसके पीछे मेहनत भी देखिए। ये देखिए एक अंकल जा रहे हैं सामने, इन्होंने कितनी पानी की बॉटल उठा रखी है, चिप्स उठा रखे हैं। तो ये मेहनत करके जाता है ऊपर। अभी आपने सुना होगा 31 जुलाई को जो आपदा आई थी उसमें काफ़ी जगह लैंडस्लाइड हुई है। तो आप देखेंगे रास्ता काफ़ी जगह टूटा हुआ है। तो यही एक दो पैच अभी आपको रास्ते में दिखेंगे जो बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, उसकी वजह से 1-1.5 महीने बीच में यात्रा बंद रही थी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं चीरबासा, जहां से आपको स्नो पीक्स दिखनी शुरू हो जाती हैं केदारनाथ की। ये गौरीकुंड से 2 किलोमीटर ऊपर है। ये केदारनाथ में कुछ पुराने बोर्ड लगे हुए हैं तो इन पे ज़्यादा ध्यान ना दें। तो अब हम पहुंच चुके हैं भैरव मंदिर, चीरबासा में ही है ये। तो यहाँ पे दर्शन करके ज़रूर जाएं और आते समय भी यहाँ पे दर्शन करें। ये एक छोटा सा मंदिर है। जब भी आप केदारनाथ आएंगे आपको 3-4 झरने तो ज़रूर मिलेंगे रास्ते में। तो कहीं भी आपका पानी ख़त्म हो तो आप इन झरनों से पानी भर सकते हैं। बिल्कुल नेचुरल पानी है और ये पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। अगर आप बारिश के मौसम में आएंगे तो इन झरनों का फ्लो और भी ज़्यादा आपको मिलेगा। अभी तो बारिश बंद हो गई है इसलिए फ्लो कम है इनका। ये देखिए महादेव के छोटे छोटे भक्त केदारनाथ आते हुए।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी और ये GMBN के स्टे हैं ऊपर, इनकी ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको यहाँ बीच में कहीं स्टे करना है तो ऑनलाइन बुकिंग अपनी करवा के ज़रूर आएँ। आप जैसे ही जंगल चट्टी से थोड़ा आगे चलेंगे, ये एक और पैच है, काफ़ी बड़ा पैच है जो अभी आपदा में टूट गया था। यहाँ भी आपको कच्चा रास्ता मिलेगा। ये रास्ता पहले एक्चुअली नीचे से था, अब इन्होंने ऊपर से बनाया पूरा रास्ता। इस पैच में आपको देख के चलना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी कीचड़ है, और पीछे और आगे दोनों साइड से खच्चर वाले ज़रूर चलेंगे। तो आपको अपना ध्यान रखना है, आराम से चलना है और साइड देनी है खच्चर वालों को, क्योंकि वो भी उधर से ही जाएंगे जहाँ से आप जा रहे हैं। वो कीचड़ में नहीं जाएंगे, वो आपके आसपास से ही निकालेंगे। तो ज़रूर देख के ध्यान से चलें। जैसे ही अब आगे रास्ते में बढ़ेंगे, आपको लेफ्ट हैंड पे एक हनुमान मंदिर मिलेगा जो प्राचीन हनुमान मंदिर है। तो यहाँ पे माथा टेक के अपनी यात्रा कंटिन्यू करिए यहाँ से। तो वो अगर आपको दिख रहा होगा सामने रामबाड़ा है, जो 2013 में आपदा आई थी, सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव एरिया था वो रामबाड़ा था।
फिर वहाँ से हम रामबाड़ा क्रॉस करके वो सामने देखेंगे तो आप लिमचोली है ऊपर, तो अभी हम आ गए हैं भीमबली। भीमबली ये रामबाड़ा से पहले पड़ता है, रामबाड़ा यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे है और यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं केदारनाथ धाम के लिए। तो आपको पहले वाला नहीं लेना है, आपको आगे वाला लेना है, मैं आपको बताता हूँ आगे। तो आप देखेंगे एक ये रास्ता है, ये खच्चर वाला रास्ता है, तो इस रास्ते पे आपको नहीं जाना है क्योंकि इस रास्ते पे आप जैसे ही जाएंगे यहाँ से आपको खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाएगी बिल्कुल। तो ये वाला रास्ता ना लें, इस वाले रास्ते को आते समय यूज़ करिए। अभी आपको जो करना है, अभी आपको आगे चलना है, आगे एक ब्रिज आएगा, वो देखिए वहाँ ब्रिज है, आपको वो वाला रास्ता लेना है जहाँ पर। केदारनाथ में मैंने पहली बार काफ़ी सारे फॉरनर्स देखे हैं, अराउंड 50 फॉरनर्स देख चुका हूँ मैं केदारनाथ में। पहले नहीं होते थे, पहले 1-2 देखे हैं, लेकिन इस बार पता नहीं इतने सारे फॉरनर्स क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है। आपको ये केदारनाथ में स्कैम ज़रूर दिखेगा, ये आप देख रहे हैं एक फैमिली खड़ी है, ये आपके पास आएंगे कि हेल्प कर दो हेल्प कर दो, और वैसे सब ने ज्वेलरी वगैरह पहन रखी है, फ़ोन वोन अच्छे हैं, कपड़े हैं, बैग हैं, तो इन सब से सावधान रहिए। तो ये है वो रामबाड़ा का ब्रिज, अब हम ब्रिज पे आ गए हैं, यहाँ पे आप रुक के अपना फ़ोटो वोटो भी खिंचवा सकते हैं। काफ़ी भीड़ होती है लेकिन ध्यान रखिए ब्रिज पे ज़्यादा देर ना रुकें। Oh.
तो जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करेंगे आपको थोड़ी चढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे खच्चर वाला रास्ता और जहाँ से आप आए हैं वो दोनों रास्ते मर्ज करते हैं। आप देखेंगे सामने से खच्चर आ रहे हैं, तो ये सामने वाला जो रास्ता है ये दोनों रास्ते यहाँ पे मर्ज करते हैं, आपको ध्यान रखना। ये एक और पैच है, आप देखेंगे जगह जगह पैचेस टूटे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है और आप देखेंगे कीचड़ भी है यहाँ पे, काम चला हुआ है, तो आपको बहुत सावधानी से जाना है क्योंकि उस रास्ते पे खच्चर भी आ रहे हैं, सामने से भी पीछे से भी लोग भी हैं, और आपको बिल्कुल सावधानी से चलना है।
आप रास्ते पर देखेंगे जवान जवान जिम जाने वाले लड़के खच्चरों पे आते हैं। एक बार इन खच्चरों की आंखों पे देखिए, बेचारों को खाने के लिए भी इतना कुछ नहीं मिलता है और इसमें 80-100 किलो के लोग लग के आते हैं, जिम जाते हैं वैसे और फुल टेंशन में, लेकिन वही है, ऐसे यात्रा तो ना लगती है। ये एक पैच है जिसमें सारे बोल्डर आ गए थे नीचे, तो अभी इन्होंने थोड़ा लेवल तो कर दिया, लेकिन वही रास्ता भी ऐसे ही है, आपको बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा रास्ते में। वो देखिए ऊपर केदारनाथ धाम के पीछे वाले पहाड़, और आपको जूम करके दिखाते हैं कि ऊपर देखिए स्नोफॉल हो रही है। तो हमने एक शॉर्टकट लिया जो छोटी लिमचोली से बड़ी लिमचोली तक जाता है। शॉर्टकट आप तभी लें जब आपका शरीर साथ दे, आप ऐसे शॉर्टकट ना लें, क्योंकि शॉर्टकट से आप ज़रूर थक जाएंगे। आराम आराम से लंबे रास्ते से चलिए अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो, क्योंकि आपको ऊपर दर्शन भी करने हैं। तो अभी हम आ चुके हैं बड़ी लिमचोली। बड़ी लिमचोली से अब आएगा घोड़ा पड़ाव, वो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है।
ये एक शॉर्टकट है बड़ी लिमचोली से जो सीधा घोड़ा पड़ाव निकलेगा। अगर आप लंबे रास्ते से जाते हैं तो लगभग 3-4 किलोमीटर है, और ये जो शॉर्टकट वाला रास्ता है ये 1.5 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन ये रास्ता काफ़ी हार्ड है, और ध्यान रखिए पूरा आपको एक पहाड़ नीचे उतरना है, बिल्कुल एक पहाड़ खड़ी चढ़ाई चढ़नी है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे से कैसा है ये रास्ता। ये देखिए पहले आपको ये वाला पहाड़ पूरा नीचे उतरना है वो नदी तक, फिर वो अगर आपको सामने दिख रहा है वहाँ से पूरी खड़ी चढ़ाई है। कैमरे में इतना नहीं पता चल रहा लेकिन वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, और ये रास्ता सीधा घोड़ा पड़ाव निकलेगा। तो हम आ गए हैं घोड़ा पड़ाव। घोड़ा पड़ाव से बेस कैंप 1 किलोमीटर है। तो अब हम आ गए हैं बेस कैंप। अगर आपको यहाँ पे टेंट लेना है तो आप यहाँ पे टेंट ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे टेंट्स की। अगर आपको होटल वगैरह नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पे बेस कैंप में आके टेंट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको हर तरीके के टेंट मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ से केदारनाथ धाम के दर्शन करिए, वो देखिए सामने मंदिर, वो देखिए सामने महादेव बैठे हैं, कितने अच्छे दर्शन हो रहे हैं यहाँ से ही बेस कैंप से।
और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। तो ये केदारनाथ का हेलीपैड है, अगर आप हेलीकॉप्टर से आएंगे तो आप यहाँ पे उतरेंगे। वो देखिए सामने एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। यहाँ से केदारनाथ धाम मंदिर 1 किलोमीटर दूर है, तो अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो आप यहाँ उतरेंगे, तब भी आपको 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, फाटा 3 जगह से हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे। और अगर आप 4 धाम यात्रा कर रहे हैं तो आपको जॉली ग्रैंड देहरादून से हेलीकॉप्टर मिलेगा। अगर आपको हेलीकॉप्टर चाहिए या उससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो यही ऑफिशियल नंबर है, इन्हीं नंबर से कांटेक्ट करिए। तो जैसे ही आप हेलीपैड से थोड़ा आगे चलेंगे, आपके राइट साइड में आपको क्यू दिख जाएगी, एक लाइन दिख जाएगी, जहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन दोबारा चेक करवानी पड़ेगी आपको। तो आइए फटाफट वो करवाते हैं। केदारनाथ मंदिर में भैरव मंदिर भी है, वो देखिए सामने पहाड़ पे आपको दिख रहे होंगे। ये भैरव मंदिर है, ये लगभग 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर ट्रैक करना है इसका। तो आप केदारनाथ में जैसे ही घुसेंगे अंदर, आप देखेंगे सब जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है, GMVN के होटल्स बन रहे हैं, वैसे काफ़ी सारे होटल बन रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे स्टे की कभी दिक्कत नहीं होगी। तो वो देखिए सामने महादेव बैठे हैं, महादेव विराजमान है। अभी हम जाएंगे अपने रूम पे, हमने जहाँ होटल लिया है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे दूंगा कि कहाँ पे आपको रूम अच्छे प्राइसेस में मिल जाएंगे। तो सीधा मिलते हैं आरती के टाइम पे, आपको दिखाते हैं केदारनाथ में जो 6:30 बजे आरती होती है वो आरती कैसी होती है। तो अभी हमने प्रसाद ले लिया है और हम जा रहे हैं सीधा आरती के लिए, आरती का टाइम हो गया है। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री केदार। तो आरती आप देखिए, अभी आरती का टाइम हो चुका है। Oh, namah.
जय श्री केदार दोस्तों, हर हर महादेव। बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियो, और ज़रूर कमेंट करिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर प्लान कर रहे हैं केदारनाथ आने के लिए तो उन लोगों के साथ भी शेयर करिए,